आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चे हो चाहे बड़े सबकी फेवरेट रेसिपी कुल्लड़ कुल्फी। एक बार आप मेरे तरीके से यह रेसिपी ट्राई करोगे तो मेरी गारंटी है इसके बाद आप मार्केट की कुल्फी भी खाना भूल जाओगे। और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर गाढ़ा वाला फुल क्रीम दूध। आप अपने हिसाब से 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या फिर इससे ज्यादा दूध भी ले सकते हैं। दूध मैंने पहले से ही उबालने रख दिया था और अभी दूध पूरी तरह ठंडा हो गया है। दूध के ऊपर जो मलाई जमी हुई है इसे हम अलग निकाल के रख देंगे। दूध को पहले से उबालना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट कच्चा दूध भी कुल्फी बनाने के लिए ले सकते हैं। मलाई को अभी हम साइड में रख देते हैं और अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। सारा दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे। एकदम मलाईदार, मावेदार और रबड़ीदार आज की हमारी कुल्फी बनेगी। तो एक एक स्टेप को पूरा पूरा जरूर देखें। अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर रखा हुआ है और ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में हम गैस फ्लेम को धीमा कर देंगे। कुल्फी को हम प्यारा सा कलर, खुशबू और टेस्ट देने के लिए 10 से 12 धागे केसर के मिलाएंगे। यदि आपके पास में केसर नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिना केसर के भी ये उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। कुल्फी बनाने के लिए हमें दूध को गाढ़ा करना होगा और जितने अच्छे से हम दूध को पकाएंगे उतनी ही अच्छी मावेदार और एकदम रबड़ीदार हमारी कुल्फी बनकर तैयार होगी। और दूध गाढ़ा हो रहा है जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। 5 से 6 काजू और थोड़े से पिस्ता को हम गर्म दूध में कम से कम 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए हर थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध के ऊपर मलाई जमने लग जाएगी। तो मलाई को हम ये देखिए इस तरीके से दूध में मिक्स करते जाएंगे और साथ में जो किनारों पर मलाई जम रही है उसे भी हम खुरच के ये देखिए इस तरीके से दूध में मिलाते जाएंगे। कुल्फी को गार्निश करने के लिए थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता को हम ग्रेट करके अलग रख देंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में नाश्ते वाली चम्मच से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। घोलते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी गुठली ना पड़े। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम ये छोटी छोटी तैयारियां भी कर लेंगे और बीच बीच में दूध को भी चलाते रहेंगे। जैसे ही आपको दूध के ऊपर मलाई दिखाई देने लगे मलाई को दूध में मिक्स कर दें। काजू और पिस्ता जो हमने गर्म दूध में भिगो कर रखे थे अच्छे से फूल गए हैं, अब हम इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि दूध भी पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। काजू और पिस्ता का पेस्ट डालने के बाद में हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डालते जाए ये देखिए इस तरीके से, और एक हाथ से आप चम्मच से मिक्स करते जाए जिससे दूध में बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ेगी। अब कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 2 मिनट तक हमें दूध को पकाना होगा। और ये देखिए पहले से दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। ठंडा होने के बाद में ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूध पूरे तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। ठंडा होने के बाद में कुल्फी में मिठास कम ना लगे इसलिए इस टाइम पर चीनी मिलाने के बाद में एक बार टेस्ट करके जरूर देख लें। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स, और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक जायफल लिया है। जायफल को हम 1/4 चम्मच कद्दूकस करके डाल देंगे। यदि आपने अभी तक कुल्फी बनाते समय जायफल नहीं ट्राई किया है तो एक बार जरूर ट्राई करके देखें। जायफल ऐड करने से कुल्फी में खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब हम सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई अभी हमने जो अलग निकाल के रखी थी उसे भी हम दूध में मिला देंगे। इससे पहले मैंने अपनी चैनल पर बिना किसी मशीन, मिक्सर या फिर ब्लेंडर के मलाई से घी बनाना बताया था, एक बार उस वीडियो को भी पूरा पूरा जरूर देखें। और ये देखिए मलाई को भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कुल्फी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने चीनी मिट्टी के कुल्लड़ ले लिए हैं। आप चाहे तो छोटी छोटी सी मटकी आती हैं आप वो ले लें, या फिर आप कुल्फी मोल्ड में, या फिर आप छोटी छोटी घर की जो कटोरियाँ होती हैं सिंपल उसमें भी आप कुल्फी जमा सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ी सी बादाम और पिस्ता डालेंगे। बादाम और पिस्ता रखने के बाद में हम एक एक गुलाब की पत्तियां रख देंगे। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। कुल्फी में बर्फ ना जमे और पानी ना जाए उसके लिए हमें कुल्लड़ को अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ले लिया है, अच्छे से पैक कर देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम रबर बैंड लगा देंगे जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा और एयर नहीं जाएगी।
और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुल्लड़ को अच्छे से कवर कर दिया है। यदि आपके पास में कुल्फी मोल्ड नहीं है या फिर कुल्लड़ नहीं है तो अपने घर की सिंपल कटोरियों में भी आप कुल्फी जमा सकते हैं। बस कटोरियों को अच्छे से कवर जरूर करें जिससे कटोरियों के अंदर पानी ना जाए या फिर एयर ना जाए। अब हम सारे कुल्लड़ को और कटोरियों को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे हो गए हैं, अब हम कुल्लड़ और कटोरियों को बाहर निकाल लेते हैं। कुल्फी बनाते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। गाढ़ा वाला दूध लें, फुल क्रीम दूध लें और दूध को गाढ़ा करने के लिए आँच को तेज ना करें, यानी कि धीमी आँच पर धीरे धीरे दूध को गाढ़ा होने दें। हर थोड़ी थोड़ी देर में दूध को चलाते रहें और जैसे ही दूध के ऊपर मलाई आ जाए उसे दूध में मिक्स कर दें। एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए तैयार है हमारी मावेदार, रबड़ीदार और मलाईदार कुल्लड़ कुल्फी, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।